दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला। 25x30 फट में पूरा मकान बना हुआ है। हमारे एक जानने वाले हैं, सर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मकान को मैंने डिजाइन किया है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको बेडरूम्स और कार पार्किंग भी चाहिए, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए इस मकान को डिजाइन किया। मॉडर्न हाउस प्लान है ये दोस्तों, सिटी में आप कहीं पर भी बनवा सकते हैं। थ्री साइड क्लोज है, सिर्फ फ्रंट में ही इसका ओपन है, और फ्रंट का इसीलिए मैंने ये डिजाइन पूरा क्रिएट कर रखा है। तो इसी मॉडल को आज हम 25x30 जो कि है 750 स्क्वायर फट में बना हुआ है, इसे पूरा आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने छोड़ो लगातार, मैं उपन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो पूरा वीडियो जानने के लिए आपको मैं सबसे पहले जूम करके इसे दिखा देता हूं, जिसको आपको रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। ये देखिए, ग्रिल का जो डिजाइन है आप देख सकते हैं, ग्रिल का डिजाइन जो कि स्टील में मैंने दिया है। इसका इधर एक पैनल का डिजाइन दिया है जो कि आपको और एक अच्छा सा लुक देता है। और यहाँ पर ग्लास का यूज किया है, ग्लास का पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पर स्टाइलिश क्रिएट किया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट डिविजन की मेन डोर है जहां से कार पार्किंग करेंगी। 8 फीट चौड़ा गेट है, 8 ऊंचाई में, और 2 फीट ऊपर आपका जाल लगा हुआ है। इधर एक गेस्ट रूम मैंने क्रिएट किया, इसलिए गेस्ट रूम के लिए अलग से डोर और विंडो दे रखा है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख पा रहे होंगे, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ। ये स्टेयर्स हैं और बीच में स्लोप जिससे आप एंट्री करेंगे। तो जैसे आप, मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा मॉडल आपका होने वाला है टॉप से, देखे ये दोस्तों जो आपका छज्जा निकला था ना, उसी को कवर करने के लिए मैंने क्रिएट कर रखा, तो आप इसे इग्नोर करिएगा। ये देखिए, इस आपका गेस्ट रूम में जाने के लिए डोर है, आप गेस्ट रूम में आ जाएंगे और यहीं से अंदर भी जा सकते हैं, या मेन डोर से आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे। तो ये आपकी कार पार्किंग मैंने यहाँ पर कवर कर रखी है। कार पार्किंग दोस्तों 30 फीट एरिया था, इसके बाद बाकी ये लगभग 11 फीट एरिया कवर किया, बाद बाकी पूरा 19 फीट एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर किया। यहीं से आपकी स्टेयर्स है जिससे टर्न होकर इधर जाएंगे, इसी के नीचे आपकी कार पार्किंग प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, इसलिए मैंने एरिया कम नहीं किया। अगर गाड़ी आप थोड़ी बड़ी भी लेती तब भी आपकी आसानी से यहाँ पर पार्क हो जाए। ये गेस्ट रूम जो कि मैंने बताया था, इसके बाद जैसे आप आगे जाते हैं तो ये देखिएगा, अब इधर आपका ये किचन एरिया मैंने क्रिएट किया, ये ओटीएस मतलब की बनाया है, यहाँ पर आप जाल रखवा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। ये कोई कंपलसरी नहीं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो रखवाएं, अन्यथा आप इसे लीव कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका पूजा घर, ये आपका एक और बेडरूम देखने को मिलता है, ये आपका लेट बाथ मतलब की बना हुआ। तो 2 बेडरूम, कार पार्किंग, ओटीएस, पूजा घर और किचन, इसके बाद आपकी यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन के साथ ये पूरा डिजाइन ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो देखिएगा जहां पर आपके किचन और ऑफिस वगैरह था सबको हटाकर मैंने एक बेडरूम बना दिया है। तो पीछे 2 बेडरूम हो गए, इधर जो एरिया आपका बच रहा था कार पार्किंग वाला, इधर मैंने किचन को शिफ्ट कर दिया है और गेस्ट रूम आपका सेम ही रहा है। तो 3 बेडरूम हो गए, लेट बाथ आपका वही रहा है, ये वाला स्टेयर्स वही रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है लगभग 3 फीट ही बचा है आपको अंदर जाने के लिए, जीने जब आप आएंगे। इसके बाद ये देखो, जीने को पर ही मैंने ये ग्लास को कवर किया पूरा एक साथ, यहाँ जीने का स्टाइल बना दिया है। इधर एक पैनल, ये आपका लगभग 3.5 फीट का ये पूरा बाउंड्री वॉल बना है, ये आपकी ग्रिल बनी है 3 फीट की, सॉरी। और इसके बाद ये उसको डिजाइन, और इधर एक पैनल का यहाँ पर मैंने टॉपअप दिया, पैनल का एक अलग से डिजाइन दिया और कलर भी डिफरेंट दे दिया है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये पूरा इसका लास्ट फ्लोर है, ऊपर जैसे आप जाएंगे 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, स्टेयर्स पूरा ढक दिया है, गुमटी बना दी है, छत बना दी है, इसका भी पूरा पैनल का डिजाइन आप इससे ऊपर आएंगे। इसके बाद इधर भी मैंने अब की बार जो ग्रिल बनाई वो लगभग मैंने स्टेयर्स को एरिया को छोड़ करके लीव करके बनाया है, तो ये ग्रिल आपकी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये पूरा 25x30 फीट का फिर कार पार्किंग मॉडर्न हाउस डिजाइन बनकर आपका रेडी हो जाता है। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। कोई भी अलग रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी बताता रहता हूँ आप लोगों, मैं पेड सर्विस चलाता हूँ जिसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें बात करें, रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। मॉडल अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।